हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशिका। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बाज़ार में जो अभी मटर बहुत ही इजीली अवेलेबल है, उसे आप कैसे स्टोर कर सकते हो। सबसे पहले आपको मटर के दाने को अलग कर लेना है छिलकों से, और यहाँ पे मैंने लगभग 2 किलो मटर लिया हुआ है। आप जितना स्टोर करना चाहते हो आप उतना मटर ख़रीद सकते हो बाज़ार से, और फिर दानों को उसके छिलकों से अलग कर ले। और मटर छिलते टाइम ये ध्यान रखें कि आपको ख़राब दाने अगर मिले तो आप उसे साइड कर दो, उसे हमें स्टोर नहीं करना है। इससे पूरे जो अच्छे दाने हैं वो भी ख़राब हो जाएंगे, तो जो भी कटे या फिर ख़राब दाने हैं उसे आप साइड कर दो। और यहाँ हमने मटर के दानों को अलग कर लिया है, और जितने भी ख़राब या गले मटर के दाने थे उसे हमने फेंक दिया है, और अच्छे दानों को हमने स्टोर करने के लिए इस कटोरी में रख लिया है। और अब हम चलते हैं आगे की प्रोसेस के लिए। तो अब हमें एक बर्तन में पानी लेना है और इसे उबालना है। तो आप चाहो तो गैस यूज़ कर सकते हो या इंडक्शन यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इंडक्शन यूज़ कर रही हूँ, और यहाँ पे मैंने पानी उबालने के लिए रख दिया है। लगभग 2 से 3 मिनट में ये पानी उबलने लगेगा। तो यहाँ पानी में उबाल आना स्टार्ट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो छीले हुए मटर के दाने हैं उसे हम ये उबलते हुए पानी में डालेंगे। तो जितना मटर आपने लिया है उसे आप धीरे धीरे करके पानी में डालें, क्योंकि पानी गर्म है, तो आराम से डालें ताकि आपके हाथ पे ना लगे। अगर आपके घर में भी मटर का यूज़ ज़्यादा होता है तो आप इस तरीके से मटर को स्टोर कर सकते हो। और ये मटर स्टोर करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, बस जो मैं स्टेप्स बता रही हूँ आप उसे फॉलो करें, और आप मटर चाहे जितनी भी क्वांटिटी में हो आप उसे स्टोर कर सकते हो, वो भी लंबे समय के लिए। और इस पर कुछ ख़राबी भी नहीं होती है, आप इसे जब चाहो तब यूज़ कर सकते हो ये स्टोर किए हुए मटर को। 2 से 3 मिनट तक मटर को हम ऐसे ही उबलते हुए पानी में रहने देंगे। उसके बाद जब हम देखेंगे कि पानी में उबाल आने लगा है तो हम अपने गैस ऑफ़ कर देंगे, और यहाँ पे मैं अपना इंडक्शन ऑफ़ कर दे रही हूँ। और यहाँ पे मैंने नॉर्मल पानी लिया है, और इसमें मैं अब आइस क्यूब डालने वाली हूँ और पानी को अच्छे तरीके से ठंडे करने वाली हूँ। उसके बाद जो हमने मटर उबाला है उसे मैं इस ठंडे पानी में डाल दूँगी। आप इस तरह का बर्तन भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि इसमें से पानी पूरा बाहर निकल रहा है और सिर्फ मटर मैं ठंडे पानी में डाल रही हूँ। मटर को जब हम गर्म पानी से निकाल के ठंडा पानी पे डालेंगे तो उसे हम 10 से 15 मिनट के लिए वैसे ही ठंडा पानी में रहने देंगे, ताकि मटर जो है अच्छे से ठंड हो जाए। तो यहाँ पे मैंने मटर को अभी रख दिया है 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि मटर अच्छी तरीके से ठंडी हो जाए। और जब आपको लगे कि मटर के दाने ठंडे हो चुके हैं तो आप मटर को अलग कर ले पानी से। तो यहाँ पे मैं स्ट्रेनर यूज़ कर रही हूँ। मटर से पानी हटा लेने के बाद मैं एक सूखे कपड़े लूँगी और उस पर ये जितने भी मटर मैंने स्ट्रेन किया था उसे फैला के रख दूँगी, ताकि मटर जो है वो अच्छे तरीके से सूख जाए और इसके जितने भी पानी है वो कपड़ा एब्जॉर्ब कर ले। मटर को सूखे कपड़े में 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है, और फिर उसके बाद हम इस सूखे हुए मटर को, जिसमें से पानी पूरा गायब हो गया है, अब हम इसे एक डब्बे पे, या फिर आप चाहो तो आपके पास कोई प्लास्टिक है आप उस पर भी डाल सकते हो, या फिर कोई कंटेनर है तो आप उस पर भी डाल सकते हो, उस पर मटर को डाल के अब हम स्टोर करने वाले हैं। इसके पहले जब हमने मटर स्टोर किया था तो हमने प्लास्टिक के कवर पर स्टोर किया था, लेकिन इस बार हम लोग ये कंटेनर यूज़ कर रहे हैं। तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि जो हमने पहले स्टोर किया था वो कैसा है। अब इसे पैक करने के बाद अब हम इसे डीप फ्रिज में रखने वाले हैं। ये रहा मटर जो हमने पहले स्टोर किया था, तो इसे हमने प्लास्टिक में स्टोर किया था और वो अभी भी वैसे का वैसा ही है। और अब अभी हम इस बार जो स्टोर कर रहे हैं वो हम बॉक्स में कर रहे हैं, तो इसे भी मैं डीप फ्रिज में रख दे रही हूँ। और आप इसे जब भी चाहो आप इसे निकाल के यूज़ कर सकते हो। लॉन्ग टाइम के लिए आपका मटर वैसा का वैसा ही रहेगा, तो ये परफेक्ट तरीका है स्टोर करने के। तो कैसा लगा मेरा ये मटर स्टोर करने का तरीका? अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।